आ चुकी है वीक 38 मेन स्ट्रीम टीआरपी लिस्ट। तो चलिए एक एक करके आपके सामने बताते हैं आखिर कौन कौन से वो चैनल जो इस सप्ताह काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं टीआरपी वाइज, और इसके और चैनल के साथ साथ शो का भी नाम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो का पूरे एंड तक ज़रूर देखना। आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टार भारत के चैनल से। यूँ तो स्टार भारत हमेशा से ही बहुत ज़्यादा टीआरपी के रेसिंग में ये शो बहुत आगे नहीं होता है, लेकिन जितना भी है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। चन्ना मेरे यहाँ जो कि 0.1 के टीआरपी लेके आ रहा है, काफ़ी पॉपुलर शो है इस चैनल का। गुड़ से मीठा इश्क 0.1, ना उम्र की सीमा हो 0.2, अजूनी जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है फिलहाल इस वीक कह सकते हो आप कि इस शो ने 0.3 की टीआरपी लेके आया है, वो तो है अलबेला राजन शाही का शो 0.2, बहुत प्यार करते हैं 0.1, और आखिरी में रखा गया है राधा कृष्ण को जो कि 0.1 की टीआरपी लेके आया है। वैसे भी स्टार भारत जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा टीआरपी की उम्मीद आप इस चैनल से मत कीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं और नेक्स्ट चैनल की बात करें तो ये है देश का सबसे ज़्यादा उभरता हुआ चैनल दंगल टीवी। अब दंगल टीवी के शोज़ पे नज़र डाले तो शुभ शगुन 0.3 की टीआरपी, बिंदिया सरकार जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है 0.3 की टीआरपी लेके आया है इस वीक, नथ 0.4 की टीआरपी, मन सुंदर भी लेके आया है सिंदूर की कीमत 0.4, नागमनी 0.4, रंग जाऊँ तेरे रंग में 0.4, और क्राइम अलर्ट जैसे शो 0.2, इसके अलावा कंट्रोल रूम 0.2, संकट मोचन हनुमान 0.4। ये है वो लिस्ट जो दंगल टीवी के शोज ने इस वीक अपनी टीआरपी हासिल किया है। इसके अलावा हम आगे बढ़ें तो सोनी टीवी के शो की बात करते हैं तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मेरे साईं का 0.5 की टीआरपी रेटिंग, श्लोक अहिल्याबाई जो कि 0.6 की टीआरपी लेके आ रही है। इसके अलावा बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 स्टेबल चल रहा है 0.5 की टीआरपी, इस शो में अभी तक फिलहाल इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। यशोमती मैया के नंदलाला 0.5, कौन बनेगा करोड़पति डिसेंट टीआरपी लेके आया है इस बार 1.3 की। इसके अलावा अपनापन 0.3 की टीआरपी ला रहा है 10:30 बजे के टाइम स्लॉट पे, तो इसको भी आप ठीक ठाक कह सकते हो। इंडियन आइडल जैसे रियलिटी शो 1.5 की टीआरपी लेके आ रहे, तो द कपिल शर्मा शो की सबसे ज़्यादा चर्चा है। द कपिल शर्मा शो इस सीज़न उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना कि इसके पहले वाले सीज़न में किया करता था। खैर इसकी टीआरपी अच्छी है, लेकिन कंपेयर किया जाए कपिल शर्मा के शो से तो उतनी अच्छी नहीं है। 1.2 की टीआरपी रेटिंग है। और इसी के साथ बात करेंगे अब नेक्स्ट चैनल जो कि है जी टीवी का। जी टीवी पे भी कई सारे रियलिटी शो चलते हैं और कई सारे डेली शो चलते हैं जिसको लोग खूब पसंद करते हैं। मिठाई का नाम सबसे पहले आ रहा है 0.5 की टीआरपी लेके आ रहा है। मिठाई शो के टीआरपी रेटिंग में ज़रूर थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है और ये एक अच्छा संकेत हो सकता है इस शो के लिए। मीत जी टीवी पे एक पॉपुलर शो जो कि 1.1 की टीआरपी लेके आ रहा है। मीत के एक बड़ी फैन फॉलोइंग है जो इस शो को सपोर्ट करती है। राधा मोहन प्यार का पहला नाम 1.4 की टीआरपी, भाग्य लक्ष्मी 2.0 की टीआरपी, तो कुमकुम भाग्य का 1.8 रेटिंग दिया गया है टीआरपी में, कुंडली भाग 1.8। इसके अलावा संजोग जो कि एक नया शो है वो 0.8 की टीआरपी लेके आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। संजोग जैसे शो जो कि रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स का एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट में से एक है, रश्मि शर्मा बिल्कुल नहीं चाहेंगी ये शो फ्लॉप हो। ये शो अगर अच्छा परफॉर्म करता है देन इट विल बी वेरी गुड फॉर रश्मि शर्मा टेलीफिल्म से। लास्ट शो की बात करें तो ये है रियलिटी शो DID सुपर मॉम्स 0.7 की टीआरपी लेके आया है इस वीक। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चैनल की बात करें तो इस लिस्ट में नाम है सोनी सबका धर्म योद्धा गरुड़ 0.5 टीआरपी, अली बाबा दास्ताएं काबुल 0.5 की टीआरपी, और इस शो ने रियली मैं कहूँ तो इस शो ने डिसअपॉइंट किया है चैनल को, मेकर्स को और तो और फैंस को भी। ये शो जितना बड़ा है उतनी कम टीआरपी रेटिंग लेके आ रहा है। आगे चले तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा डिसेंट परफॉर्म किया है इस वीक 1.5 टीआरपी रेटिंग के साथ, वांगले की दुनिया 0.9 टीआरपी, पुष्पा इम्पॉसिबल 0.8। इसके अलावा मैडम सर जैसे शो जिसमें आपको अभी कुछ टाइम बाद
बाद स्टोरी भी चेंज हुई, स्टोरी में भी चेंजेस देखने को ज़रूर मिल जाएगा। मैडम सर ने इस बार 0.4 का परफॉर्मेंस किया है। नेक्स्ट चैनल की बात करें तो ये है सबका फेवरेट कलर्स टीवी। अब कलर्स टीवी पे कई सारे शो आते हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं और कई सालों से रन भी हो रहे हैं। ससुराल सिमर का सीज़न 2 0.7 टीआरपी के साथ डिसेंट टीआरपी लेके आ रहा है। सावी की सवारी, जिससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद था, ये शो ने अच्छा परफॉर्म किया है 1.1 की टीआरपी के साथ। उड़ारियाँ 1.7, परिणीति 1.7, स्वर्ण घर ने सबको चौंका दिया है। इस शो को मेकर्स ने रिसेंटली ही डाला था ऑफ ए डिंजर में, लेकिन शो ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है आने वाले दिनों में एक शुभ संकेत हो सकता है इस शो के मेकर्स के लिए और चैनल के लिए भी। मुस्कुराने की वजह तुम हो शो ने 1.2 की टीआरपी रेटिंग लाया है, तो हर पुल मोहिनी 1.1। इसके अलावा स्पा बहु 0.6, पिशाचिनी 0.9, नागिन सीजन 6 ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अपने टाइम स्लॉट चेंज होने के बाद भी अपने लॉयल फैंस को अपने तरफ आकर्षित करके रखा है शो ने और 1.7 की टीआरपी रेटिंग लेके आया है। खतरों के खिलाड़ी सीज़न 12 वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल इन दिस सीज़न, क्योंकि ये शो इतना बड़ा हिट नहीं रहा। शो का नाम बड़ा और दर्शन छोटा, ये आप कह सकते हो, क्योंकि इस सीज़न 1.4 की टीआरपी लाना यानी कि इस रियलिटी शो के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आगे चले तो झलक दिखला जा का भी यही कुछ हाल है। 2 साल बाद लौटा झलक दिखला जा, कई सालों के बाद लौटा झलक दिखला जा, इस बार 1.0 रेटिंग की टीआरपी लेके आया है अपने फर्स्ट वीक में। अब आगे चले तो ये है स्टार प्लस का शो। तो अब आगे चले तो इंडिया का नंबर वन चैनल की बात करें तो वो है स्टार प्लस, और स्टार प्लस पे कई सारे शो हैं जो बहुत ही ह्यूज परफॉर्म करते हैं। इस शो की लिस्ट में सबसे पहला नाम है आनंदी बा और एमली, जो कि बहुत कम रेटिंग लेके आ रहा है, लेकिन फिलहाल देखा जा सकता है ये शो को भी ऑफेयर करने का मन बना सकता है चैनल। आगे चले तो रज्जो की बात करें, जो कि एक रिसेंट लॉन्च हुआ शो है, 1.1 की टीआरपी, पंड्या स्टोर 1.7, गुम है किसी के प्यार में 2.8, इमली 2.1, बन्नी चो होम डिलीवरी 1.9, ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.2। अनुपमा, जो कि देश का नंबर वन शो है, वो लेके आया है इस बार 3.0 की टीआरपी। ये है चाहते की है 2.3 की टीआरपी रेटिंग, और रविवार विद स्टार परिवार वॉपिंग 1.5 रेटिंग पॉइंट्स। तो ये थे स्टार प्लस के साथ साथ कुछ वो चैनल जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ वो शो जो कि वर्स्ट परफॉर्म किए हैं इस वीक। तो आपके सामने हमने पेश कर दिया है इस वीक की टीआरपी। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका इनमें से कौन सा है फेवरेट शो, किस शो ने आपको निराश किया है और किस शो ने, किस चैनल ने आपको खुशियां प्रदान किया है। आप अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, दिवाली बहुत ही नज़दीक है, अगर आप भी अपनी फैमिली फ्रेंड्स या किसी के लिए भी कोई भी प्रोडक्ट घर के लिए बाय करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, लिपस्टिक से लेके स्किन केयर्स के लिए कोई भी आइटम के लिए, आप जाओ सीधा डिस्क्रिप्शन में, आपको अमेज़ोन फ्लिपकार्ट आजियो मीशो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आप वहां से जाके जिस भी प्रोडक्ट को आप बाय करना चाहते हो अभी बाय कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।